ब्लड टेस्ट वगैरह में और दवाइयाँ पूरी नहीं आती। तो कभी कभार आते हैं, दवाई मिल जाती है टाइम से, जो बंद किया वो दोबारा चालू होना चाहिए, दूर आना जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं शिखा, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये देख सकते हैं आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के बाहर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे तमाम पेशेंट्स हैं, तमाम लोग हैं। और एक बार कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है और मैं यहीं पे खड़ी हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के दावे बार बार किए हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया है, आम आदमी के लिए काम किया है। तो अभी जो अंदर पेशेंट्स हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि भाई दवाई और जो भी चीजें वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक करके सारे पेशेंट से बात करेंगे कि उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उनसे खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? कैलाश। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के आप रेगुलर पेशेंट हैं? बीपी का रहता है मेरे को, 20 साल से दवाई चल रही है। 20 साल से दवाई चल रही है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको सुविधा मिल रही हैं या किस चीज में आपको परेशानी हो रही है? यही ब्लड टेस्ट वगैरह में और दवाइयाँ पूरी नहीं आ रही, दवाइयाँ पूरी तरह नहीं मिल रही। दवाई पूरी? अभी भी ये बीपी के लिए दो दिए बस। अच्छा, नहीं तो एक कई गोलियाँ आती है उसमें बीपी के लिए, तो लेकिन मिलती नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। नहीं हो रही। और कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक? यहाँ भी हो गए मेरे 5 साल। 5 साल से आ रहे हैं? तो 5 साल पहले दूसरी जगह था, हमारे एरिया में था, वो बंद हो गया साउथ गणेश नगर, तो अब इस गणेश नगर में, तो दूर आना होता है। लेकिन केजरीवाल ने तो कहा था हर मोहल्ले में क्लिनिक है, तो ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, वो बंद भी कर दिया, कई जगह तो बंद कर दिया, फिर जहाँ मिल भी रही है तो ये हिसाब है कि दवाइयाँ ही नहीं है। क्या आपके साथ और भी लोग हैं? क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, अरे वाह। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का जो आपके साथ जो व्यवहार है, जो दवाई दे रहे हैं, वो किस तरीके से, संतुष्ट हैं आप इस चीज़? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक। दवाई सही ढंग से मिल रही है? हाँ हाँ, सही मिलता है। सबसे ज्यादा ठीक क्या लगता है, जैसे दवाई आ रहे हैं तुरंत समय पे मिल जाती है? हाँ। डॉक्टर्स ज्यादा दुर्व्यवहार तो नहीं? नहीं नहीं, कोई व्यवहार नहीं, तरीके से बात? हाँ हाँ, बहुत तरीका। दवाइयाँ नहीं मिल रही बस, और कुछ नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल। अब मेरे को तो बीपी का चाहिए और किसी चीज की बीमारी नहीं है, तो कोई कोई ऐसा भी दवाई जो कि नहीं भी मिलता है। हाँ ये भी बात है, सही कर रहे हैं। दवाई ये दी है 10 दिन के लिए दी है, दवाई पूरी। खर्चा इसमें कितना आता है? खर्चा तो हम लोग की तो फ्री सेवा है, तो हम लोग क्या पता है, फ्री है ये तो, फ्री है ना। तो बीपी कभी कभी दवाइयाँ नहीं मिलती? नहीं अभी दिक्कत हो रही है, नहीं तो पहले मिल रही थी। पहले मिल रही थी? ये मेरे ख्याल 2 महीने से हुआ है, 2 महीने से दवाई नहीं मिल रही। हाँ। जबकि अस्पताल भी भेज दिया इन्होंने कि अस्पताल चेकअप कराओ, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं। तो कुल मिला के आप लोग खुश है मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमें खांसी, मैंने खांसी बुखार। हाँ, हाँ, मौसम बदलाव का ही हमेशा से? नहीं, मौसम बदलाव का ही लग रहा है, कहा कि ऐसे तो कभी होता नहीं था। मौसम चेंज में तो सबको होता है। हाँ, हाँ, बाद बाकी दवाई मिल गई? हाँ, हाँ, मिल गई। चलिए, आप अगर केजरीवाल सरकार को कुछ कहेंगे बदलने के लिए या कुछ और बेहतर करने के लिए, वो क्या आपकी राय होगी आम आदमी पार्टी के? हम लोग तो भाई चाहेंगे बढ़िया काम करे, जितना जनता तो यही चाहता है। हाँ, जनता तो अपने वो देखती है कि सही चाहता है पूरी सही तरह की दवाइयां मिलती रहे। नहीं, जैसे अगर एक राय देना चाहेंगे मोहल्ला क्लिनिक पे कि मोहल्ला क्लिनिक में ये चीजें बदलाव होनी चाहिए, तो वो क्या राय देंगे? एक एक करके बदलाव, यही दवाई और सही तरीका से मिलना चाहिए और जो सुख सुविधा है बढ़िया से मिलना चाहिए, और क्या, यही ना जनता क्या चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे, आपकी एक राय अगर केजरीवाल सरकार को देंगे वो क्या राय देंगे? नहीं, काम अच्छा है वैसे तो, और जो बंद किया वो दोबारा चालू होना चाहिए मेरे हिसाब ये। अच्छा, जहाँ जहाँ बंद कर दिया वहाँ वहाँ चालू होना चाहिए, क्या क्योंकि परेशानी होती है? हाँ, हाँ, परेशानी, दूर आना जाना पड़ता है, दूर आना जाना पड़ता है। तो चलिए, एक राय तो होगी। बाद बाकी आपको लग रहा है कि 2025 में आएगी गवर्नमेंट? ये तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते, ये तो जनता का मुंह है, परिवर्तन होते रहता है, ये कैसे कह सकते कि वही आएगा? 10 साल से तो है ही है, तो ऐसा परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? नहीं, परिवर्तन तो नहीं, ऐसा हम लोग कैसे कर, लेकिन ऐसा ये तो राजनीति किसी का है नहीं, कब कौन बन जाएगा। हाँ। अगला बार नितिन त्यागी थे यहाँ से। हाँ। उसके बाद अभय वर्मा जी आ गए। हाँ। फिर अभी कौन आएगा ये कोई जानता है? हाँ। ये तो नहीं कह सकते, हर एक जनता चाहती है। हाँ। ना चाहती, नहीं भी चाहती है। तो कुल मिला के ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे आप लोग संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, फिर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मनीषा। मनीषा जी, कैसा काम लगा आम आदमी पार्टी का? मोहल्ला क्लिनिक कैसा सर्विस दे रही है? अच्छे? हाँ, अच्छा दे रही है, सारी चीजें टाइम पे मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टरों का व्यवहार बढ़िया है? बढ़िया है, समय पे मेडिसिन। किस चीज की मेडिसिन है ये? इसको खांसी जुकाम था। तो मतलब कुल मिला के बच्चों और बूढ़ों तक के लिए दवाई प्रोवाइड ये करा दे रहे हैं टाइम पे? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं,
केजरीवाल सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं मैम, सुधारने के लिए नहीं, सब कुछ सब कुछ ठीक है। चलिए, क्या नाम है आपका? रीता देवी। अभी मोहल्ला क्लिनिक में जा रही है? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है, सही तरीके से जांच वांच होती है यहाँ पे? नहीं, सही करते हैं। सही करते हैं। केजरीवाल का काम अच्छा है, मोहल्ला क्लिनिक का काम अच्छा है? सही है। डॉक्टर सही है? हाँ सही। दवाई टाइम पे मिलती है? हाँ। तो हम इसी से में से 3-4 साल से ले जाते हैं। 3-4 साल से यही चले जाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, आपके क्या नाम है आपका? रीना देवी। ये किस चीज का दवाई लेके आ रही है? बच्चे के लिए, आ जाओ। इनके बुखार तक खराब, खांसी सी हो गए ना। बच्चे के लिए लेके आए। क्या नाम है बाबू? रूही। कब से आ रही है मोहल्ला क्लिनिक? अच्छा दिन हो गया। बहुत दिन से आती है। कभी भी कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। डॉक्टर अच्छे हैं? हाँ अच्छे। दवाई सारी मिलती है? हाँ, सारी टाइम पर दवाई दे देते हैं। अच्छा, आप भी आ रही हैं काफी समय से? हाँ। मोहल्ला क्लिनिक से कुल मिला के आप लोग खुश हैं? खुश हैं। हाँ, हम लोग खुश हैं। सही है। केजरीवाल को कुछ बोलना चाहेंगी? काहे ना बोलेंगे, जब ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया दे रहे हैं, अच्छा है। हम लोग गरीब आदमी है तो इतना दवाई लेते मेडिकल में तो 200-100 रुपया लेते, यहाँ फ्री का मिल गया है। चलिए, तो आप लोग खुश है, संतुष्ट है? खुश है, सारे से। क्या क्या चीजें हैं, मतलब इसमें सब तमाम बीमारियों का इलाज होता है? हाँ, सब चीज का इलाज कर रहे हैं। हाँ, बीपी उपी सब चेक कर देते हैं। सर ऑपरेशन वगैरह ये सारा नहीं, बस दवाई जो है वो नॉर्मली मिल जाते हैं। आप अभी किस चीज के लिए जा रही? पेट दर्द। हाँ चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद, क्या यहाँ पे चेकअप सही हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक सही काम कर रहा है? हाँ, ठीक, सही है, ठीक, सारी चीजें ठीक, ठीक है, ठीक। किस चीज का दवाई लेने आया? ये तो बुखार हुआ था, गर्दन में दर्द है, गले में दर्द है, तो सारी चीजों का दवाई मिल रहा है? जी जी। चलिए ठीक है। रितु, रितु कैसा है यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक का काम? सही है। सही है। क्या मतलब तबियत, दवाई मिल गई? हाँ दवाई मिल गई। दवाई मिल गई। कहाँ से आई हैं आप? गणेश नगर से। गणेश नगर। पास पड़ता है या दूर पड़ता है? पास में है। पास में है। तो कुल मिला के खुश हैं मोहल्ला क्लिनिक के काम से? हाँ खुश है। कोई शिकायत, कोई दुख तकलीफ? नहीं नहीं। चलिए ठीक है जी। आपका नाम? सोमवीर सिंह। यहाँ कैसा रहा मोहल्ला क्लिनिक का काम, कैसा चल रहा है और कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? ये काफी टाइम से है यहाँ पे, तो 5-7 साल, 6 साल हो गया कम से कम। ठीक है, हम तो कभी कभार आते हैं, दवाई मिल जाती है टाइम से। दवाई मिल जाती है। हाँ। दिक्कत तो, कुछ दिक्कत भी है यहाँ पे? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है यहाँ पे, हमेशा आते जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दवाई टाइम पे मिल जाती है? हाँ देखो, हाथों हाथ दवाई है अभी टाइम पे, कभी भी आते हैं तो दवाई मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बीपी वगैरह भी चेक होता है टाइम से। दवाई सारा सही काम, एक्सपायर तो नहीं देते हैं? नहीं नहीं, ये सब चीज तो दवाई आपके सामने है, देख लो, कोई एक्सपायर नहीं होता। मतलब कुल मिला के केजरीवाल का ये काम अच्छा है? हाँ, दवाई गले तो ठीक है मेरे हिसाब से तो, और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आपको लग रहा है इस बार केजरीवाल आएंगे गवर्नमेंट में? देखो, लोगों को फायदा तो है, ऐसी बात नहीं है केजरीवाल के होने से। हाँ। और लोगों का कुछ पता नहीं है, पर हमारे हिसाब से तो ठीक है, सब लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम हो ही रहा है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के सारी चीजें ठीक है। हाँ, और अगर एक राय अगर आप देना चाहेंगे मोहल्ला क्लिनिक पे कि कुछ और ठीक होनी चाहिए तो वो क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं।